आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं, जो कि है 26 अप्रैल 2023 के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। जी हां, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सुबह 8:30 से 10:30 बजे के बीच में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके रिगार्ड में मैं आज आपसे शेयर करूंगा कि कैसा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या हो रहा है एग्ज़ाम लेवल, जिससे आपको रफ़ आइडिया हो पाए और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी एनालिसिस हो पाए आपसे, जिससे आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, जो कि जवाहरलाल नेहरू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। अब सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं उन अपने सब्सक्राइबर्स का थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझसे ये रिव्यू शेयर किया है और ये बताया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पे और देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैटर्न एसएससी वाला ही था। जी हाँ, एसएससी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जीके के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ज़्यादा स्टैटिक से आ रहे हैं। जी हाँ, चाहे वो नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन हो, और साइंस के क्वेश्चन आपके इक्वेशन बेस्ड आ रहे हैं और फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और ऐसे जो जीके के क्वेश्चन हैं वो ईजी नहीं है, मॉडरेट हैं। जी हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे अपने जीके के पोर्शन में। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर मैथ्स की, तो मैथ्स आपकी टाइम टेकिंग आ रही है और ट्रिकी आ रही है। जी हाँ, ट्रिकी आ रही है और एज सच इतना ईजी नहीं है, कैलकुलेटिव आ रही है मैथ्स आपकी। नेक्स्ट पोर्शन की अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश में ग्रामर रूल्स पूछ लिए जा रहे हैं, आपका पैसेज एज सच नहीं आया और उसके बाद थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इंग्लिश में भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, कंप्यूटर नो डाउट बाकी सेक्शन के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा हाई लेवल आ रही है या फिर टफ लेवल की आ रही है आपकी कंप्यूटर की, बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं आपके कंप्यूटर में। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें और बात करें हिंदी की, तो हिंदी का लेवल मॉडरेट है। जी हाँ, जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट पूछे जा रहे हैं और इजी नहीं है। ठीक है, कोई भी पोर्शन एज सच आपका इजी नहीं है, आप मॉडरेट कंसिडर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। नेक्स्ट अगर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग भी टाइम टेकिंग आ रही है और ट्रिकी आ रही है और वो एज सच वो जो एसएससी लेवल की एमटीएस की या फिर किसी एसएससी के एग्ज़ाम की जो कभी कभी इजी शिफ्ट आ जाती है उसके लेवल की नहीं है, मॉडरेट आ रही है। तो गाइस ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो रीजनिंग जो है कंपैरेटिवली मॉडरेट है, आपकी हिंदी भी मॉडरेट है, सारा पेपर जो अभी तक पूछा जा रहा है वो मॉडरेट है, इजी नहीं है और वो भी उनके लिए जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब आपको घबराना नहीं है इस पेपर के लेवल को देख के, क्यों? क्योंकि ना अब देखिए टफ होकर पेपर या फिर मॉडरेट होगा तो सबके लिए होगा और उससे कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ नीचे जाने में बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रोल प्ले करेगी अगर वो पेपर मॉडरेट आता है। क्यों? क्योंकि इजी होगा तो वो सबके लिए इजी होगा, बट मॉडरेट होगा तो जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी करी होगी ना वो मॉडरेट नहीं होगा, फिर उनके लिए हार्ड हो जाएगा। तो इससे बहुत बड़ी आपके लिए हेल्प हो जाएगी अगर आपको आप सिंसियर कैंडिडेट हैं और आपने अच्छे से तैयारी की है तो। ठीक है गाइस, इतना इंपॉर्टेंट और कट ऑफ के रिस्पेक्ट में मैं आपको शाम को अच्छे से इन डेप्थ में एनालिसिस करके बताऊँगा कि क्या कट ऑफ जाएगी आपकी इस वाले पेपर की जो कि अभी सुबह पूछे गए हैं जिसके रिगार्ड में क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो ये हो गई वीडियो जिसमें मैंने आपसे शेयर कर लिया कैसा पेपर आ रहा है आपका जूनियर असिस्टेंट का मॉर्निंग शिफ्ट का 8:30 से 10:30 बजे के टाइमिंग में। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं शाम को आपसे शेयर करूँगा ऐसा ही एनालिसिस एमटीएस का जो कि आपका जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।